इज करेक्ट, बोनस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, टू रोटेटिंग बॉडी ए एंड बी आर मास एम एंड टू एम विथ मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग है, बॉडी दो है रोटेट कर रही है, किस टाइप की बॉडी हमें नहीं पता है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी ए का इक्वल है काइनेटिक एनर्जी दूसरे बॉडी का, बी का जो कंडीशन दिया उसको लिख लो, ठीक है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब कहता है एल एंगुलर मोमेंटम, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उनकी एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करो, अगर मैं इनका एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करता हूँ बॉडी ए और बॉडी बी की, तो एंगुलर मोमेंटम आई ए ओमेगा ए होता है और डिवाइडेड बाई आई बी और ओमेगा बी होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, यहाँ से ओमेगा वन ओमेगा ए और ओमेगा बी निकलेगा, वहाँ ले जाकर रख दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ आई ए ओमेगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई बी और ओमेगा बी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ने हाफ को ख़त्म कर दिया, तभी तो मैं कंपेयर कर दूंगा, मतलब आई ए अपान आई बी इज इक्वल टू ओमेगा बी अपान ओमेगा ए का होल स्क्वायर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि आई ए अपान आई बी इज इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा ए अपान बी इज इक्वल टू आई बी का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ग्रेटर है ना, टू बॉडी ए एंड बी, हाँ आई बी की मोमेंट ऑफ इनर्सिया ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आई ए अपान आई बी इज इक्वल टू आई बी अपान आई ए का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आई बी अपान आई ए दैट इज एंगुलर मोमेंटम ए एंगुलर मोमेंटम बी। अरे यार बात समझ में आई, कुछ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का कंपेयर करना पहले लिख लो, बाद में यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन दिया यहाँ ले जाके इसमें रख दो। तो आई बी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम ए आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, क्वेश्चन के कंडीशन से एंगुलर मोमेंटम ए इज ग्रेटर देन एंगुलर मोमेंटम बी। इसका मतलब ये हुआ ए का एंगुलर मोमेंटम अधिक होगा और बी बी से, मतलब ये है कि हम लोग का डी ऑप्शन सही है, ठीक है।